मैं अर्चना, वेलकम टू आइज रेसिपीज़। दोस्तों, अभी मई मंथ है और मई मंथ में टेम्परेचर बहुत ही पीक पे होता है। ऐसे में हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने की इच्छा होती है और गर्मी में वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो क्यों ना हम हेल्दी जूसेस पिए। सो मैं आज आपके लिए कुछ हेल्दी जूसेस की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शुगर फ्री है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जूसेस में लगने वाले कॉमन इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है, ये काली मिर्च को मैंने थोड़ा कूट लिया है और अदरक को कद्दूकस कर लिया है और ये पुदीना के पत्ते लिए हैं। पुदीना डालने से जूस पीने के बाद हमें थोड़ा फ्रेशनेस फील होता है। अब बारी आती है स्वीटनेस की, क्योंकि हमारे जूसेस शुगर फ्री है लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ स्वीटनेस के लिए डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें ली है। ये है आयुर्वेदिक गुलकंद, सेकंड है शहद और तीसरा है मिश्री के जो डल्ले आते हैं जिसमें धागा होता है, वो डल्ले लाकर मैंने इसे कूट लिया है और धागा निकाल लिया है। इन तीनों में से आपके पास जो अवेलेबल होगा वो कुछ भी आप एक डाल सकते हो। वैसे खट्टाई के लिए भी मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला है ऑरेंज जूस, यहाँ पर मैंने दो ऑरेंज लाकर उसका जूस निकाल लिया है। मौसम्बी का जूस निकालने का एक प्लास्टिक का पॉट आता है, उससे आप ये ऑरेंज जूस निकाल सकते हो। नींबू है, लेकिन गर्मी में नींबू बहुत महंगे होते हैं, या कभी हमें जूस बनाने की इच्छा है लेकिन घर में नींबू अवेलेबल नहीं होते तो हम क्या करें। तो ऐसे में हम घर में साइट्रिक एसिड तो होता ही है, तो हम आधी कटोरी पानी में आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड डालकर उसका मैंने ये पानी बना लिया है। तो ये तीनों चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ खटाई के लिए डाल सकते हो। तो चलिए अब हम जूस बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ये जो सारी चीज़ें आपको बताई है, ये जो बेसिक कॉमन मसाले है या ये स्वीटनेस और खटाई के लिए जो चीज़ें बताई है, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। आप आपके टेस्ट के अनुसार और क्वांटिटी के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। सबसे पहले हम वाटरमेलन का जूस बनाते हैं। उसके लिए मैंने वाटरमेलन को काट के उसके बीज निकाल कर ये एक बाउल वाटरमेलन के पीसेस लिए हैं। अब ये हम जूसर पॉट में डालते हैं। इसके बाद दो ऑरेंज का जो मैंने जूस निकाला था वो इसमें जूस डाल रही हूँ। 5-6 पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ। अब हम काला नमक डालेंगे। काला नमक जो है वो 1/2 टीस्पून डालना। काली मिर्च 1/4 टीस्पून। कद्दूकस किया हुआ अदरक ये 1/4 टीस्पून। ये भी आपके टेस्ट के अनुसार है, आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और मिठास के लिए मैं एक छोटा चम्मच से मैं 1 चम्मच शहद डाल रही हूँ, क्योंकि वाटरमेलन वैसे मीठा होता है लेकिन जब उसमें हम आइस क्यूब वगैरह डालेंगे तो थोड़ा स्वीटनेस कम हो जाता है, इसलिए 1 छोटा चम्मच मैंने शहद डाला है। अब वाटरमेलन में ऑलरेडी पानी होता है इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम आइस क्यूब डालेंगे। इसमें थोड़े आइस क्यूब डाल रहे हैं और अब इसे हम मिक्सर में लगा के घुमा लेंगे। देखिए, हमारा ये वाटरमेलन का जूस तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्विंग ग्लास में निकालते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी बना है। ये करीब 2 लोगों के लिए सफिशिएंट बना है। अब इस जूस के ऊपर हम 2 छोटे पुदीना के पत्ते रखेंगे और ये वाटरमेलन की छोटी सी फाक इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए, हमारा ये फ्रेश हेल्दी वाटरमेलन का जूस तैयार हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट जूस बनाते हैं। अब हम ABC जूस बनाते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीटरूट एंड सी फॉर कैरेट। ये तीनों चीज़ें बहुत ही हेल्दी है। एप्पल और कैरेट में तो फाइबर होता है, बीटरूट खाने से हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, इसलिए ये जो जूस बनेगा
ये बहुत ही हेल्दी बनेगा। इसमें खटाई के लिए मैंने साइट्रिक एसिड का पानी लिया है और आइस क्यूब लिया है, और मिठास के लिए मैंने यहाँ पे गुलकंद लिया है। जिस जूस में हम बीटरूट डालते हैं उसमें हमें पानी ज़्यादा लगता है, इसलिए ठंडा पानी भी लिया है। एप्पल, बीटरूट और कैरेट, इन तीनों को मैंने पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लिए हैं। एप्पल के तो मैंने छिलके नहीं निकाले, लेकिन बीटरूट और गाजर के मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अब इसके तीनों के हम बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे और जूसर पॉट में डालेंगे। अब हम एबीसी जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एप्पल को काट के उसके बीज निकाल ली है, तो हम जूसर जार में पहले एप्पल के पीसेस डालेंगे, बीटरूट को काट लिया है बीटरूट के पीसेस डालेंगे, गाजर को काट लिया है उस गाजर के पीसेस डालेंगे। अब हम थोड़ा आइस क्यूब्स डाल देंगे, 5-6 पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं, काला नमक 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, 1 टेबलस्पून गुलकंद डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। खटाई के लिए मैं ये साइट्रिक एसिड का जो पानी किया है वो 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, और जिस बाउल में मैंने एप्पल लिए थे उसी बाउल से मैं 1.5 बाउल ठंडा पानी डाल रही हूँ। ये एक बाउल डाला, 1/2 बाउल और डाल रही हूँ क्योंकि बीटरूट में पानी ज़्यादा लगता है। अब इसे हम मिक्सर में लगा के घुमा लेते हैं। देखिए, हमारा एबीसी जूस तैयार हो गया है। अब इसे हम छलनी से छान लेंगे। इस जूसर पॉट में भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर हम डाल देंगे। चम्मच से इस तरह से इसे घुमा देंगे तो ये जल्दी से स्टेन हो जाएगा। ये छलनी के ऊपर जो बचेगा ये आप फेंकिए मत, ये बहुत हेल्दी है। तो इसमें आप आटा गून के इसकी आप पूरी बना सकते हो। वैसे तो ये नहीं छाना तो भी चलता है, लेकिन किसी को बहुत ट्रांसपेरेंट जूस अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको छान के दिखाया। मेरे घर में तो वैसे ही बिना छाना हुआ जूस पीते हैं। ये जूस हमारा छान चुका है, अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, और ऊपर जो बचा है छलनी के ऊपर इसमें आटा गूंद के इसकी आप पूरी बना सकते हो। देखिए, हमारा ये एबीसी जूस तैयार हो गया है। कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत हेल्दी भी है। तो अब इसे हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। ये हमारा एबीसी जूस तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। दिखने में भी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये जूस आप हमेशा घर पे बनाइए और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को पिलाइए। वैसे घर में बच्चे या बूढ़े गाजर और बीटरूट खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप ये जूस बना के पिलाओगे तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो ये जूस आप हमेशा बनाइए। चलिए अब हम नेक्स्ट जूस बनाते हैं। अब हम अंगूर का जूस बनाते हैं। अंगूर में विटामिन सी होता है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी जूस बनता है। अंगूर का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बाउल अंगूर को अच्छे से पानी से धो लिए है और उसकी डंडियाँ निकाल ली है। आइस क्यूब्स लिए है, ये सारे इसमें डालने वाले इंग्रेडिएंट्स लिए है और ठंडा पानी लिया है। तो चलिए अब इसे हम जूसर जार में डालते हैं। अब हम अंगूर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले जूसर जार में अंगूर डाल रही हूँ, आइस क्यूब डालूंगी, 5-6 पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, मिठास के लिए 1 टीस्पून समझ लो आप 1 टीस्पून हनी डाल रही हूँ, खटाई के लिए 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। मेरे यहाँ पे नींबू छोटा है इसलिए मैंने 1 नींबू का रस डाला, आप आपके टेस्ट के अनुसार कम भी कर सकते हो। अब जिसमें अंगूर लिए थे उसी बाउल से 1/2 कप
हाफ बाउल में पानी डाल रही हूँ और मिक्सर में लगा के इसे घुमा लेते हैं। देखिए हमारा ये अंगूर का जूस तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, टेस्टी भी है और कलर देखिए कितना प्यारा आया है। ये सभी को बहुत पसंद आएगा। ये हमारा अंगूर का हेल्दी एंड टेस्टी जूस तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम जूस बनाते हैं। अब हम बीटरूट और अनार का जूस बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ही लाभदायी है। आप सभी जानते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी ट्यूमर का काम करता है। बड़ी बड़ी बीमार, कैंसर जैसे बीमारी के लिए ये औषधि का काम करता है। तो ये जूस तो बहुत ही हेल्दी बनता है। इसे हमें वंस इन अ वीक तो पीना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने एक अनार के दाने निकाल लिए हैं जो कि एक बाउल हो गए हैं। एक बीटरूट को धोकर उसके छिलकर उसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। अब इसे हम मिक्सर जार में डालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अनार के दाने डाल रही हूँ, बीटरूट डाल रही हूँ, आइस क्यूब डाल रही हूँ, 5-6 पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक और मिठास के लिए 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं मिश्री डाल रही हूँ। और ये जिसमें मैंने अनार के दाने लिए थे उसी बाउल से मैं 1.5 बाउल पानी डाल रही हूँ। 1 बाउल डाला और ये 1/2 बाउल, ये 1.5 बाउल पानी डाला है। अब इसे हम मिक्सर जार में लगा के घुमा लेते हैं। हमारा ये बीटरूट और अनार का जूस तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है, लेकिन इसे हमें छानना पड़ेगा क्योंकि इसमें अनार के दाने मुंह में कभी इसके बीज आ सकती है। इसलिए इसे हम ये तार वाली छलनी से इसे छान लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसे हम चम्मच से हिला के पूरा स्ट्रेन कर लेंगे। ये छलनी के ऊपर जो है इसे हम अच्छे से चम्मच से दबा के पूरा जूस निकालेंगे। ये हमारा बीटरूट और अनार का जूस तैयार है। इसमें खटाई के लिए हम ये साइट्रिक एसिड का जो पानी बनाया था वो मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ और चम्मच से अच्छे से हिला लूँगी। तो देखिए हमारा ये बीटरूट और अनार का जूस रेडी है। अब इसे हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा बीटरूट और अनार का हेल्दी एंड टेस्टी जूस तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है? आप जरूर बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सारे जूसेस जरूर बनाएंगे। दोस्तों हमारे ये 4 हेल्दी एंड रिफ्रेशिंग जूसेस तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। पहला है हमारा वाटरमेलन का जूस, दूसरा है हमारा ABC जूस, तीसरा है हमारा अंगूर का जूस और चौथा है हमारा बीटरूट और अनार का जूस। इन्हें देखते बराबर आपको बनाने की इच्छा हो रही होगी ना। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप इन्हें जरूर बनाइए और गर्मी में ये सारे जूसेस बनाकर आपके फैमिली मेम्बर्स को पिलाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को ये जूसेस पसंद आएंगे और गर्मी में ये बना बना कर पीजिए और स्वस्थ और मस्त रहिए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। मेरा आई रेसिपी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। दोस्तों एक बार आपने वीडियो मेरा सब्सक्राइब किया होगा तो बाद में आपको सिर्फ लाइक और शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।